बारी सर आपकी वार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को फेस करना है? सर आपकी जो एक आम जनता जीजे क्लस्टर और इन्होंने जीजे क्लस्टर का वो हाल बना दिया है कि इन्होंने जो वादा करके सीट पर बैठे थे ना वो वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। दारू के ठेके आज हर जगह जगह खुले हैं। एक इंसान जो 300-400-500 रुपये की दिहाड़ी कमाता है वो इंसान 400-500 रुपये अपने घर तक नहीं जाता, वो दारू खरीद के पी लेता है क्योंकि एक के साथ फ्री है। और अभी तो मैं कल की बात बता रहा हूँ, परसों ही रिक्शे वाले में जब मैंने देखा कि वो कल ही सॉरी मतलब जब फिल्म का दौरान चला था, मेरे पास ही कई वीडियो भी मैं आपको शो ऑफ करूँगा, उस समय रिक्शे वाले एक दूसरे से पैसा मिला के चल भाई एक और एक के साथ एक फ्री मिलेगी, एक सवारी छोड़ के आते दारू ले लेते मिला के पी के बैठ जाते। फिर उससे तो रिलेटेड जो सवारी होती है वो बैठ के मतलब रनिंग मतलब डिस्टेंस की रनिंग करती है उसको भी दिक्कत होती थी क्योंकि आप उसको तो पैदल जा नहीं सकती हो, लेकिन अब उसकी मजबूरी बन गई थी एक शराबी रिक्शे वाले के साथ मेरे को बैठ के जाना पड़ता है। इससे आप ये सोचिए कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दूसरी बात, जो रिक्शे वाला उसका परिवार भी दिल्ली में है, जेजे क्लस्टर में रहता है, वो अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करता, तो जो पैसे की कमाई है वो अपने घर पे ना दे के वो दारू पीता। तो इन्होंने झुग्गी झोपड़ी और जेजे क्लस्टर सेवा बस्ती के लोगों को बर्बाद करने का पूरा प्लान कर दिया। इन्होंने बोला था कि हम जनता से पूछेंगे। पिछली बार इन्होंने शराब दी थी, जो लाई इन्होंने क्यों शराब दी थी अपनी वापसी की? मंदिर के सामने शराब, स्कूल के सामने शराब। अभी आप मोती नगर चले जाइए, मोती नगर मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाइए, एक फूल वाला, फूल वाले के सामने मंदिर है और मंदिर के जस्ट अपोजिट साइड में दारू बट्टी का किला हुआ, उसकी 10 मीटर की दूरी 15 मीटर की दूरी पर जाइए, रोड के इस पार पेंटिंग का खुला हुआ है। ये क्या है, व्हाट इज दिस? इन लोगों ने मतलब जनता को क्या समझ रखा है कि जनता को हम जिस तरीके से देना चाहिए उस तरीके से? और ये हमेशा कहते हैं कि हमने जनता से राय ली। आप ये बताइए ठेका खोलने से पहले जनता से राय ली क्या? पहली बात तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शेष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जेपी नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मुझ जैसे एक छोटे सिपाही को इस कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और जो भी समाज हित में कार्य होंगे उसे पूरा करने की पूरी कोशिश मेहनत लगन से करूँगा। सर जो मैडम मार्केट अभी मैं जहाँ जहाँ भी मैं गया, मार्केट एसोसिएशन हो गया, आग अग्नि हो गया, गुरुद्वारे हो गए, मंदिर हो गए और समाज के बड़े बुजुर्ग मेरी माता जी हैं, उन्होंने इतना मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया कि वो मेरे मन को छू गया। मैंने उनको ये बोला है कि आप, मैं काम नहीं करूँगा, आप खुद काम करेंगे, आप खुद पार्षद होंगे क्षेत्र के, आपकी जो समस्या है, जो भी छोटी छोटी समस्या है उनको समाधान, समस्या को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैम आप जान ही सकते हो कि अभी तक एमसीडी का जो फंड आता था केजरीवाल जी के अंदर में आता था, उन्होंने हमारे 11,000 करोड़ रुपये और हमारे जो रिमेल रहे और आदि मतलब हमारे विधानसभा के जितने एमसीडी के लोग रहे, हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर पर आपने देखा हो केजरीवाल ने हमला किया कि हमारे जो एमसीडी के वर्कर्स हैं उनको तनख्वाह दी गई और वो कहते कि तनख्वाह ही नहीं, तो जो पैसे एडवर्टीजमेंट के आ रहे हो कहाँ गए? आज एमसीडी इतना काम कर रही है उसको फंड नहीं दिए गए, एमसीडी फिर भी हमारे जो एमसीडी कर्मचारी हैं पैसा न मिलने के बावजूद भी वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप ये देखें जो डीसी की जगह जो बड़े बड़े नाले हमारी एमसीडी साफ कर रही है। कल की डेट में बता रहा हूँ, मैं एक क्षेत्र में गया था कमला नेहरू कैंप का जो क्षेत्र है वहाँ पर मेरे को किसी ने बुलाया था, बोला भैया ऐसी बात, वो जब इन्होंने सड़कें बनाई और वहाँ दूसरी का नाला जाता तो उन्होंने क्या किया, वो निकाल के और वहाँ रोड पर रख दिया। अब वो क्लस्टर वासी को डेंगू भी हो सकता, मच्छर की पैदाई होगी, बहुत सी दिक्कतें हैं। आज की डेट में हमारे कर्मचारियों ने उसको पूरा साफ करके मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ अभी इस समय और उन्होंने मेरे को अपडेट करी, ये देखिए ये आज की है, ये पूरी अपडेट ये आप दे सकते हैं, ये पूरा रोड पर इन्होंने फेस रखा है।
इन्होंने एनसीपी को बदनाम करने के लिए इतना वो करते हैं कि आप एनसीपी को बदनाम करिए तभी हम सत्ता में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सफाई स्वच्छता अभियान चला उससे हमारे जो वर्कर है काफ़ी वो भी है, उत्साह भी है कि हमारे जो क्षेत्र है जो हमारा इलाका है वो साफ सफाई रहे और माननीय नरेंद्र मोदी जी की और हमारी भारतीय जनता पार्टी की शान आगे और बढ़ती रहे। हम जनता के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो समाज हित में कार्य होंगे, जो भी समाज हित में कार्य होंगे वो अपने मेरे मन तन मन धन पूरा समर्पित है, पार्टी के लिए समर्पित है और जनता के लिए भी समर्पित है। 24 घंटे सातों दिन प्रदीप तिवारी। धन्यवाद।